ये आखिरी मंजिल सिलसिले की थोड़ी देर तक आपके सामने है। जितना सुना है उतना सुनाना है, उसके बाद ऐसा है। देखें जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया अपने खत्म होने के कगार पे है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख रहे हैं कि आपको रिपोर्ट मिलता रहता है कि कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, और साइंस ही बताती रहती है कि अन करीब दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि जब तक हमारा ईमान जरूर नहीं करेगा तब तक ये दुनिया बाकी रहेगी। लेकिन हाँ, तबाही तो आएगी, इसलिए कि तबाही जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं, और ये तबाही हमारी वजह से ही आएगी। जो हम नुकसान कर रहे हैं जमीन से, और जिस तरह से हम अल्लाह की नेमतों को बर्बाद कर रहे हैं, तो उसके बदले में तबाही आई। इसलिए कि कुरान में है कि अल्लाह ने कौम को नेमतें दी, इतनी नेमतें दी कि उनकी औकात से ज़्यादा, यानी अगर पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए 100 क्विंटल गेहूँ काफ़ी था, तो अल्लाह ने वहाँ पे 400 क्विंटल गेहूँ अता किया। जमीन पे 400 क्विंटल गेहूँ, उन्होंने इस नेमत के बदले में ये दिया कि वो उसका मिसयूज करने लगे, यानी वो रोटी का इतना गंदा इस्तेमाल करने लगे कि वो रोटी खाते थे और अपने ही वो बनाई हुई रोटी से बच्चा अगर गंदगी करते तो गंदगी भी पोंछते थे और रोटी को फेंकते थे। कोई ऐसा काम हो गया, हम कपड़े का इस्तेमाल करते, वो रोटी का इस्तेमाल करते, और उन्होंने अल्लाह की इस नेमत को इतना बर्बाद किया कि उन्होंने पहाड़ बना दिया रोटी का। अल्लाह ने दिया उनको, खूब दिया, लेकिन जब देखा अल्लाह ने कि अभी इनको कदर नहीं हो रही है, तो अल्लाह ने फिर उनके आजाद ना दिया और उनकी जमीन को अल्लाह ने बंजर बना दिया। बंजर बनाने के बाद ये हुआ कि अब वो भूख से तड़पने लगे, भूख से मरने लगे, लेकिन कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। फिर अल्लाह ने उन पर इतना सख्त अदा नाजिल किया कि जो घास उगते थे वो भी उगना बंद हो, पेड़ हरे भरे, पेड़ सूख गए। आखिर में उनको थक हार करके उसी पहाड़ की रोटियों को साफ कर करके खाना पड़ा। अल्लाह ने इनको, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि इन्होंने नेमत को, अल्लाह की दी हुई नेमत को बर्बाद करना शुरू किया। और वही काम हम कर रहे हैं। अगर ये मैसेज सोशल मीडिया के जरिए पहुंचेगा सारे मुल्क में तो बहुत फायदा होगा। ये हम गंदगी बना रखा हमने जमीन पे, अल्लाह की जमीन पे, ये जो हम जंगलों को बर्बाद किए जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये जो हम पानी में गंदगी फेंक फेंक के पानी को गंदा कर रहे हैं, इससे नुकसान सिर्फ हमको होने वाला है। और उसके बाद फिर हम रोना ये रोते हैं कि हुकूमत साफ नहीं कर रही है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। नहीं, इसको हमें करना है, हमें जंगल को बर्बाद होने से बचाना है। इसलिए कि ये पेड़ पौधे हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। इस्लाम कह रहा है कि साफ सफाई निस्बत ईमान, ईमान का हिस्सा है साफ सफाई, लेकिन हमने खुद अपनी जिंदगी में इतनी गंदगी मचा रखी है कि हम अपने घर का कचरा, इस्लाम ने कहा अपने घर में कचरा मत रखो, रात को अपने घर में कचरा मत रखो, लेकिन हमने अपने घर में तो कचरा रखा रखा, पूरे पूरे शहर को हमने बर्बाद कर दिया गंदगी से, कचरे से। हम पोटली बनाते हैं और बना करके उसको घर से बाहर फेंक देते हैं, हमारा काम हो गया। लेकिन होता क्या है, वो पोटली जमा होती है, जमा होते होते वो नाले में जाती है, नाले से होते हुए वो दरिया में, समंदर में, उसके बाद होता क्या है, जब ये समंदर और दरिया गंदे होते हैं, जो पानी हमें पीने के लिए आता है ये कचरा उसमें मिक्स होकर के फिर वो हमारी बॉडी में आता है वापस, यानी जैसा करनी वैसा करनी।
पहले ये था मंदल भाई भी दवाई देंगे, अंदर भाई देंगे, आप बैठे आप लोग भी देंगे, नसीम भाई भी देंगे, ये मुझसे बने इसलिए बता रहा हूँ कि पहले पानी से इलाज होता था। आप डॉक्टर कहते हैं जितना हो सके पानी पीजिए, पानी पीजिए, आपका इलाज होता था, पानी से लोग इलाज करते थे। आज के दौर में अगर आप ये जो पानी आपके नलके से आ रहा है आप उसे पीने महीना भर ऐसे ही उसको साफ ना करें और ऐसे ही नल से आता हुआ पानी पीना शुरू कर दें, आप उससे बीमार हो गए। डॉक्टर कहता है पानी की वजह से बीमार हो गए, पानी की वजह से आपके अंदर पानी के गंदे जरासीम चले गए। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमने जो गंदगी डाली है अपने घर की जो गंदगी वो घूम फिर के हमारे ऊपर आ रहा है, हम बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो कम से कम हमें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, हमें अपने आप को भी साफ रखना चाहिए। इस्लाम कहता है अपने आप को साफ रखो, साफ सफाई रखो, ये ईमान का हिस्सा है। खुद भी साफ रखें अपने आप को और अपने शहर को भी साफ रखें, अपने मोहल्ले को साफ रखें। अब जैसे मिसाल के तौर पर पासिया के हालात हैं, ये किया है हमने ही, ये कहीं बाहर से घूम फिर के नहीं आया, ये हमने ही किया है। ये जो हमने कचरे उठा उठा के बाहर फेंके वो कचरा रोड से नाले में गया और नाला चौकों पता चला गया, ये हमने ही है। तो हमें इसको साफ करना है। हाँ बीएमसी को लेकर डालें, उनसे हेल्प लें, लेकिन अगर वो साफ करके चले जाते हैं दोबारा हमें ख्याल रखना है, इसलिए कि ये जो गंदगी है ये बीमारी का जड़ है, यहाँ से बीमारी फैलेगी, कौन बीमार होगा? हम बीमार होंगे। तो जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे कुछ होने वाला नहीं। हमने जंगल काटना शुरू कर दिया, हमने पानी को बर्बाद करना शुरू कर दिया, हमने मजहब के नाम पर पानी को भी बर्बाद किया, मजहब के नाम पर भी जंगल को काटा। क्या हमारे मजहब में एक चीज़ चाहिए? तो हमने अपने मजहब के चक्कर में पानी को गंदा करना शुरू कर दिया, हमने अपने मजहब के चक्कर में अपने रसूमात के चक्कर में पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। इसमें हमारी भी गलती है। इस्लाम ने कहा है कुछ चीज़ें हैं उसे दफन कर दो, हमने ले जाके पानी में डाल दिया। अब वो पानी में डाला तो वो किताबें ले जाकर पानी में डाल दी, उसकी स्याही अलग हुई पानी से, अब वो फायदा क्या पहुँचेगी? कुछ नहीं, सीधा नुकसान। हमने अपने रसूमात के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, लेकिन हम ये कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कि आने वाले दौर में हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह के हैं, उनका सांस लेना मुश्किल होगा इस हवा में। इसलिए इस्लाम ने कहा कि जितना हो सके अच्छे से रहो, साफ सुथरी जिंदगी जियो। और ये वही मदद दिखा सकता है जो मतलब जो दीन अल्लाह को प्यारा हो। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मिंबर से ये बात नहीं करें तो कहाँ से करें, एक दूसरे को मैसेज करके तो बता नहीं सकते। तो जहाँ तक लोग करीब हैं उन्हें बता सकते हैं कि प्लीज़ अपनी मदद कीजिए, ये साफ सफाई करके आप अपनी मदद करें, साफ सफाई करके हमें ये इसकी सजा मिल चुकी है कोरोना में। आप देखें कोरोना में मिल चुकी है हमें इसकी सजा, हम भुगत चुके हैं। लेकिन सलावत पढ़ कर मोहम्मद लेकिन फिर भी हमें कहते हैं कहावत है कि ज़मीन टल्लत जमा टल्लत मगर मबनी नमी टल्लत, यानी ज़मीन हिल गया ज़माना हिल गया लेकिन आपने एक दीवार पे लाइन बनाई थी वो अपनी जगह से नहीं हिला, तो हमारा हाल वही हो गया। तो होगा क्या फिर? होगा ये कि वो अपनी नेमतों को फिर हमसे छीन लेगा। और उसने बार बार कुरान में कहा है कि तुमने देखा नहीं पिछली कौमों का हाल। तो कुरान जो है, कुरान की कोई भी आयत सिर्फ आज के लिए नहीं है बल्कि पास प्रेजेंट फ्यूचर के लिए है। अगर वो कह रहा है कि कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह अहद है, तो ये नहीं कि 1400 साल पहले अहद था, नहीं, 1400 साल पहले भी यही होगा कि अल्लाह अहद है और 1400 साल के बाद भी यही तर्जुमा होगा अल्लाह अहद है, ये नहीं कि था। तो कुरान जो ये कह रहा है कि तुमने देखा नहीं पिछली कौमों का हाल, तो ये आज हमारे लिए भी है कि क्या हमने पिछले कौमों का हाल नहीं देखा? ये रोटी वाला वाकया जो बताया, देखा है तो हमें उसको देख करके कुछ सीखना चाहिए। सलावात पढ़ पर मोहम्मद वाले इल्म के मुताल्लिक
और वालदैन की इताअत के मुतालिक थोड़ी बातें आपके सामने करनी है कि देखें, रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे बच्चे पहले आप सुने अच्छे से इस बात को, और जो लोग सुन रहे हैं वो सुने, और जो माँ बाप सुन रहे हैं वो भी सुने इसको, कि इल्म के मुताबिक मुतालिक रसूल खुदा ने फरमाया कि माँ की आगोश से लेकर के कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। हर इंसान को आलिम होना चाहिए। आलिम होने का मतलब नहीं है कि सर पे अमामा हो, दोष पे रिदा हो, मुसल्ले पे आगे खड़ा होता हो, मिंबर पे बैठता हो, आलिम है नहीं। हर आदमी आलिम है, हर चीज़ का आलिम है, हर किसी को इल्म हासिल करना चाहिए। इसलिए कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इल्म पे बहुत ज़ोर दिया है। इल्म हासिल करना इंसान की ज़िंदगी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इल्म के बग़ैर इंसान कुछ भी नहीं है। खुद अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि मुझे नफरत है उस इंसान से जो अनपढ़ है। मौला नहीं पसंद करते हैं, इसलिए कि अनपढ़ आदमी अपने उस जहालत की वजह से खुद तो डूबता है, आपको भी डुबा देता है। इमाम फरमाते हैं इल्म चाहे 80 साल के बूढ़े को अपने 6 साल के पोते से इल्म हासिल करना हो तो इल्म हासिल करो। यानी इतना ज़ोर दिया है आइम्मा ने इल्म के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं, किताबें भरी पड़ी हैं। अल्लाह ने जाहिलों के बीच में अपना खलीफा भेजा, और जितने भी अम्बियाए मासबब आए दुनिया में, उन्होंने क्या किया आकर के, इल्म फैलाया। जब इमाम से अमीरुल मोमिनीन से सवाल हुआ, मौला इल्म अफजल है या दौलत, इमाम ने फरमाया इल्म अफजल है, दौलत नहीं। उसने कहा मौला कैसे, कहके चोरी होने का खौफ या दौलत, इमाम ने फरमाया इल्म अफजल है। इसलिए कि इल्म मूसा के पास था, दौलत फिरौन के पास था। कहा मौला इल्म अफजल है या दौलत, इमाम ने फरमाया इल्म अफजल है, दौलत नहीं। इसलिए कि अल्लाह को आलिम पसंद है, दौलतमंद पसंद नहीं है। मौला इल्म अफजल है या दौलत, इमाम ने फरमाया इल्म अफजल है, इसलिए कि इल्म हम आइम्मा की जागीर है। तो मौला को इल्म पसंद है। और मेरे बच्चों याद रखो कि आज से आने वाले 5 साल के बाद हालात ये होंगे कि अगर किसी के पास 12वीं का सर्टिफिकेट होगा तो ही उसे ठेला ठालने की इजाज़त होगी, वरना अगर किसी के पास 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो गवर्नमेंट उसे ये भी इजाज़त नहीं देगी कि तुम ठेला टानो, तुम मजदूरी करो, या रास्ते में कुछ सामान बेचने के लिए भी इसकी ज़रूरत होगी। आप देख रहे हैं ज़रा ज़रा बात पे आपसे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। अगर 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो बहुत हालात ख़राब होंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके इल्म हासिल करें। इल्म आपके आइम्मा की जागीर है, और जो इल्म हासिल कर ले फिर वो किसी का मोहताज नहीं होता। आप देखें इमाम ने फरमाया है कि तुम होशियार रहो, जो इंसान तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारी इज्जत कर रहा है उससे होशियार रहना। का मौला क्यों, का सबसे पहले जलील वही करेगा जो, जब तुम्हारे पास दौलत ख़त्म हो जाएगी तो सबसे पहले जलील वही इंसान करेगा जो तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारी इज्जत कर रहा था। तो देखें जब तक दौलत होती लोग इज्जत करते हैं। आपने खुद देखा होगा बहुत से ऐसे लोग आपके बीच से आके गए हैं कि जिनके पास दौलत थी, जो दौलत खर्च कर रहे थे उसकी इज्जत हो रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही हाथ टाना लोग सलाम करना भूल गए। लेकिन इल्म जिसके पास है वो दौलत नहीं, एक रुपया नहीं खर्च करता, लेकिन लोग जानते हैं ये आलिम है, इसके पास इल्म है, उसको देखते ही लोग खड़े हो जाते हैं, सलावात पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर पता चल जाए कि हमारे बीच में कोई प्रोफेसर है तो मिंबर पे बैठा हुआ बंदा उस प्रोफेसर के लिए सलावात पढ़ाता है कि सलावात पढ़ें, डॉक्टर साहब आ गए या इंजीनियर साहब आ गए या वकील साहब आ गए, आप सलावात पढ़े, और सलावात पढ़ा जाता है उसके लिए। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है उसके पास, उसके पास इल्म है। हर लिहाज से आपको इल्म हासिल करना। मेरे जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप अगर अपनी आकिबत चाहते हैं तो अपने बच्चों को कोशिश करें इल्म देने की। एक बंदा मर गया, दुनिया से चला गया, बहुत गुनहगार था, उसकी कब्र पे अजाब होने लगा, लेकिन अचानक उसकी कब्र से अजाब उठा लिया गया। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार ये तो गुनहगार था, इसकी कब्र से आज़ाब क्यों उठा लिया। आवाज़ कुदरत आई कि इसका एक बेटा था वो बोलने के काबिल हो गया है, आज उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है।
तो मुझे अल्लाह को ये गवारा नहीं कि इसका बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और मैं इस पर अज़ाब नाज़िल करूँ। याद रखें, हमारे आखिरत का भी सामान है कि हम अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, इल्म से करीब करें। अभी आप यहीं पे एक प्रोग्राम हुआ था अब्बासिया में, जिसमें आपके मुस्लिम भाई ने एक ऐलान किया था इल्म के मुतालिक कि वो बच्चों को ट्यूशन वगैरह जो क्लासेस, आज के ज़माने में क्लासेस बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा, यानी स्कूल के फीस से ज़्यादा क्लासेस का, चूँकि मेरा मैं भरता हूँ मेरे बच्चे का, क्लासेस का फीस जो है वो स्कूल से ज़्यादा है, लोग क्लासेस की वजह से ज़्यादा परेशान हैं। और अगर क्लासेस नहीं तो स्कूल वाले पूछते हैं कौन से क्लासेस में जा रहा है, किसी में नहीं, तो फिर आपका बच्चा पास ही नहीं होगा, देखिए क्या है। लेकिन शुक्र है कि उसने, मुस्लिम भाई ने कदम उठाया और उन्होंने कहा कि हम अब्बासिया में 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को फ्री क्लासेस देंगे, और उसमें भी बाहर से टीचर लाएंगे, जो भी उसमें खर्च होगा लाखों रुपये वो हम लगाएंगे। बस करना यह है, आपसे सिर्फ हेल्प इतना चाहिए कि आप अपने बच्चों को वक्त पे भेजें। बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के टीचर आएंगे, वो आ करके अलग अलग क्लासेस यहाँ लेंगे, और आपको करना यह है कि आप अपने बच्चों को भेजें, वो आ करके टाइम टू टाइम क्लास ज्वाइन करें, पढ़ के जाएं, इंग्लिश के मैथ के सारे टीचर आएंगे। आपको करना यह है कि आप अपने बच्चे, और भी टीचर आएंगे, जितना जो भी सब्जेक्ट है उसके टीचर आएंगे, आपको करना यह है कि आप अपने बच्चों को घर से निकाल के अब्बासिया में भेजें, वो आए आकर के पढ़ें, आपके ऊपर से एक बोझ हट जाएगा, ये 3,000, 4,000, 5,000 का जो क्लासेस का है वो चला जाएगा और आपका बच्चा कामयाब होगा। आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं वो, मुस्लिम भाई ने कोई ये नहीं कहा कि आपको फ़ीस देनी, नहीं, आपको सिर्फ मुस्लिम का ये मदद करना है कि आपको टाइम टू टाइम बच्चों को भेजना है, वो आए यहाँ पढ़ें। एक अच्छा काम कर रहा है वो, रोज़ क़यामत इमाम ज़माना के सामने वो गुनाहगार नहीं होगा, वो कहेगा मौला मैंने जो करना था वो कर दिया है। अब गुनाहगार वो माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को इसमें नहीं भेज रहे, इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। वो जैसे भी हो रहा है, जैसे भी कर रहा है, वो उसका काम है, लेकिन एक काम हो रहा है यहाँ पे, उसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और भी अगर आपके घर के दूर कहीं पे कोई है इसी मालोनी में, तो उन तक भी ये खबर पहुंचानी चाहिए कि अब्बासिया में क्लासेस शुरू हो रहा है, अच्छा क्लासेस है, चाहे तो बच्चों को लेके माँ बाप आए, एक घंटा बच्चा अगर क्लासेस में, माँ बाप थोड़ी देर बैठें, जब बच्चा क्लासेस से फारिग हो लेके चले जाएं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कोई कर सकता है। अब वो नहीं है कि आप दुआ करें तो अल्लाह पैगम्बर को भेजेगा कि जाओ जा करके इनको, जाहिलों को इल्म दो। एक ज़रिया बनाया है उसने, और याद रखें अगर इससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे हम, तो ये नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा मरने के बाद, इसकी सज़ा है। इतना होने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसकी सज़ा है, याद रखें। हम अपने बच्चों को वक्त ब वक्त, जो भी बच्चे हैं, कोई बच्चे कुछ ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि अभी कहाँ पढ़ेंगे, नहीं, इल्म की कोई उम्र नहीं होती बच्चों, ये याद रखो, इल्म की कोई उम्र नहीं होती। एक शख्स था, मुझे नाम याद नहीं है, वो ताला बनाता था, एक से एक ताला उसने बादशाह के पास लेके गया, एक ताला बना करके, बादशाह ने ताला देखा, बहुत खुश हुआ, पूरा दरबार खुश हुआ, बादशाह ने उसको इनाम दिया। आज की ऐसी यही ऐसी मजलिस होगी, थोड़ा बोरियत लगेगा आपको, लेकिन ऐसी वाली होगी। सलावात पढ़े बर मोहम्मद, हाँ, इसलिए कि आप अगर इल्म हासिल नहीं करेंगे तो फिर हम जैसों का यहाँ पढ़ना कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप मेरे चिल्लाने से वाह 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 करके चले जाएंगे, हम भी अपना काम करके निकल जाएंगे, कोई फ़ायदा होगा? इमाम ने ये मिंबर ऐसे ही नहीं रखवा दिया, इमाम ने इल्म फैलाया था, वरना इस मिंबर पे बहुत सारे जाहिल आ करके बैठे उन्होंने किया, और उनकी जहालत की वजह से आज इस्लाम का जो बेड़ा गर्क किया उन्होंने, इस्लाम को जिस हाल पे पहुंचा दिया है उन्होंने, ये सब उन जाहिलों की वजह से हुआ कि मिंबर पे जाहिल आ गए थे। हमारे आइम्मा का शुक्र है कि इमाम ने अपनी बारगाहों से इतने आलिम भेजे कि आज जो दुनिया में थोड़ी सी इज्जत बाकी है वो सिर्फ आइम्मा अथहार के इल्म की वजह से बाकी है, वरना ये दुनिया जिल्लत के, ये जो कुछ जाहिल आए थे मिंबर पर रसूल के बाद, वो इस पूरी कौम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहालत के अंधेरे में ले जा चुके थे। तो वो ताला बनाने वाला बादशाह के पास गया, बादशाह बहुत खुश हुआ कि बहुत उम्दा ताला बनाया उसने, उसको
तोहफे दिए और ये बिल्कुल अकड़ने लगा कि देखो मेरे जैसे दरबार में कोई नहीं। थोड़ी देर के बाद उसने ये देखा कि एक बूढ़ा एक ज़ईफ दरबार में चला आ रहा है, बोसीदा कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में लकड़ी, अजीब फकीरी हालत में है। उसने देखा कि जैसे ही बादशाह ने उसको आते देखा, बादशाह अपनी जगह से खड़ा हो गया, पूरा दरबार खड़ा हो गया। उसने बादशाह ने हाथ चूमा और ला करके अपनी जगह पे बिठाया। उसने कहा ये कौन है, मैं तो ताला बनाया बादशाह के लिए, बादशाह ने मुझे सिर्फ इनाम दिया, तारीफ की, इसने तो कुछ भी नहीं किया। इसके लिए ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ और उसके बाद इसको अपने पास मिंबर अपने कुर्सी पर लाके इसने बिठाया, अपने तख्त पर लाके बिठा रहा है कौन ये? तो किसी ने कहा ये आलिम है। उसने कहा आलिम? कहाँ आलिम है, इसके पास जो इल्म है ये उसकी वजह से बादशाह ने इसकी इज्जत की है। उसने अपना सारा ताला वगैरह फेंका, 40 साल का बंदा था, उसने कहा नहीं अब मैं इसके जैसा बन के बताऊँगा, मुझे नाम याद नहीं है। वो गया, उसने इतना इल्म हासिल किया कि आज हमारे यहाँ उसकी किताबें पाए दर्जे पे पाई जाती हैं, वो इतना बड़ा आलिम बना। तो इसीलिए इल्म की कोई उम्र नहीं होती है। आप अपने घर में अपने बच्चे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बच्चा अगर आपसे बात करे इंग्लिश में तो आप अपने बच्चे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, आप अपने बच्चे से इल्म हासिल करें। हदीस में रसूल अल्लाह के 80 बरस का बूढ़ा अपने 5 साल या 6 साल के पोते से इल्म हासिल करे, शर्मिंदगी नहीं है इल्म हासिल करने में। हाँ शर्मिंदगी कहाँ है, किसी से मांग के खाने में। आश्रय में हम बैठे रहें कि कोई आ करके हमारे दरवाजे पर राशन दे के चला जाए तो हम खा लें, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जिल्लत कहते हैं, इसे शर्मिंदगी कहते हैं। मज़ा तो है कि इल्म हो और किसी की दुकान पे जाके बैठें और बैठ करके वहाँ पे लिखा पढ़ी का काम करें, बस थोड़ा काम करें, वहाँ से इज्जत से रोटी मिले और शान से आए, तो ये कैसे होगा? ये इल्म की वजह से होगा। इल्म हासिल कीजिएगा तो याद रखिए जिसके पास इल्म होता है आइमा उसको सीने से लगाते हैं, जिसके पास इल्म नहीं है उसको इमाम माना पूछेंगे नहीं आने के बाद। ज़रूरी है कि आप इल्म हासिल करें और माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों के पीछे मेहनत करें। याद रखें हालात कब कैसा मोड़ ले लें किसी को नहीं मालूम, मेहनत करना आपका काम है। बच्चों से उम्मीद ना रखें कि इनसे कोई अजर मिलेगी, कोई उजरत मिल नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखें। आप उसका काम करें, वो आपको इज्जत भी देगा और ज़ईफ़ी में आपको रोटी भी देगा। जब आप कुछ करने के लायक नहीं वो आपको पालेगा, पालने वाला सबका वो है। लेकिन कोशिश करें ताकि मरने के बाद कम से कम बच्चा इल्म हासिल करे, तो कम से कम जब उसको याद आए तो एक सूरह फातिहा तो पढ़ दे वो हमारे लिए। दूसरी बात ये कि अब बच्चों से गुजारिश है कि याद रखो कुरान मजीद में वालिदैन के लिए आयतें उतरी हैं, एक नहीं कई बार आयतें उतरी हैं, वालिदैन के लिए आयत आई है। और अल्लाह ने वालिदैन का मर्तबा बताया है, कभी अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं करना, वरना याद रखो कारून का ख़जाना भी तुम्हारे पास आ गया तो वो कुछ काम नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी जो वालिदैन की तौहीन करता है जो बंदा, वो अगर करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन की जरी पे भी जाके मर जाए तो इमाम हुसैन उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। इसलिए माँ बाप की इज्जत, माँ बाप का एहतराम बहुत ज़रूरी है। आज हमारा माशरा ऐसा हो गया है कि अगर हम 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और वालिदैन अगर हमसे कह दें कि बेटा जाते जाते बनिया के यहाँ से दाल या चावल ला के दे दे, तो हम माँ बाप को झड़क के कहते हैं आपको कुछ काम काज नहीं है, हम इतनी देर मेहनत करके आए काम से आराम कर दाल ला दे चावल ला दो, जाइए खुद से ले लीजिए। आपको नहीं मालूम है कि आपका ये जुमला अल्लाह को कितना बुरा लगता है। माँ बाप को सताने वाला कभी खुश नहीं रहता, सताना तो दूर की बात है, वो कुरान में कह रहा है कि ये अगर तुम्हें चूंटी भी काट ले तो तुम्हें इतनी इजाजत नहीं है कि तुम आह करो, यानी उसका इजहार करो तकलीफ कि मुझे तकलीफ हो गई, नहीं। और उनके लिए हमेशा अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें तुम्हारे ऊपर इनको एहसान बना के भेजा है, देखो इनकी खिदमत करते रहना। अल्लाह एक जगह कह रहा है कि मेरे अलावा किसी पे किसी के सामने नहीं झुकना, जो एहतराम है मेरे लिए है। लेकिन कुरान में कह रहा है कि माँ बाप का एहतराम करो। ये लब जो है रब्बिर हम हुमा कमा रब यानी सगीरा, अल्लाह ने माँ बाप को रब कहा है कि परवरदिगार
रब यानी पालने वाला, मेरे पालने वाले पे एहसान कर मेरा मालिक। अपने माँ बाप की इज्जत करें, याद रखें कितना बड़ा सिकंदर क्यों ना हो, अगर माँ बाप की तौहीन कर रहा है, एक बहुत बड़ा आबिद है, बहुत बड़ा नमाजी है, ऊँट के घुटने के जैसा गट्टा पड़ चुका है, लेकिन अगर माँ बाप का दिल जर्रा बराबर दुखाया है तो खुदा की कसम ना उसे अल्लाह माफ़ करेंगे, ना उसे अल्लाह माफ़ करेगा, ना उसे अहले बैत माफ़ करेंगे। अहले बैत तो कतन माफ़ नहीं करने वाले, और जिसको अहले बैत ना माफ़ करे उसे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसलिए वालदैन की खिदमत करें, वालदैन जितना हो सके एहतराम से बात करें, अदब से बात करें, कड़क आवाज़ में बात ना करें। हो सकता है कि आप ये सोच लें कि मैं तो नरम आवाज़ में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके थोड़ा सा कड़क होने की वजह से माँ का दिल सहम जाए, माँ डर जाए आपकी आवाज़ से, ऐसे नहीं। एहतराम से बात करें, अदब से बात करें माँ से, बाप से भी, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे आपकी जन्नत है, लेकिन बाप के कदमों के नीचे उसके जन्नत में जाने का दरवाज़ा है। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है, लेकिन बाप को फरामोश नहीं किया है, बाप के कदमों के नीचे भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ रखा। याद रखें दोनों मिल करके एहसान करते हैं आपके ऊपर। आप जिस सवारी पर चल के जाते हैं उस सवारी के दोनों पहिए हैं ये, अगर इनमें से एक गिर जाए तो आप मुंह के बल ज़मीन पर गिर जाए। इसलिए ज़रूरी है कि माँ का एहतराम करे, बाप का एहतराम करे। एक शख्स गुजरा है जिसका नाम था इब्राहिम मुजाब। आपको अल्लाह ज़िंदगी दे, आप करबला मौला जाएँ तो आप वहाँ जा करके इमाम की ज़री जहाँ, इमाम हुसैन की ज़री जहाँ, वहीं पे इनकी ज़री है बनी हुई। इब्राहिम मुजाब ये वो शख्स है, आम शख्स, कोई आलिम कोई पैगंबर नहीं, ये आम शख्स। ये जब ज़री पे सलाम करते थे इमाम हुसैन के, वहाँ से जवाब आता था। ये कहते थे अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, आवाज़ ज़री से आती थी, वालेकुम अस्सलाम या इब्राहिम मुजाब। जो भी खड़ा होता था, सिर्फ ये नहीं सुनता था, जो भी साथ में ज़री पे खड़ा होता था वो इसकी आवाज़ सुनता था। बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा जिन्हें हम मुश्तहीन या मराजे कहते हैं वो आवाज़ सुनते थे। वो कहते थे कि ये तुम्हें आवाज़ है, ये जवाब मिला इमाम के रोज़े से, कहाँ का फिर से सलाम करो, वो फिर से सलाम करता तो फिर इमाम के रोज़े से जवाब आता था। लोग पूछते थे ये जवाब आया है कहाँ, ये देखो फिर सलाम करता था, फिर जितनी बार ये सलाम करता था अब अब्दुल्ला इसके सलाम का जवाब देते थे। किया क्या था इसने, बहुत नमाजें पढ़ी थी, बहुत रोज़े रखे थे, पैदल हज पे गया था, यतीमों को रोटी खिलाता था, बेवाओं की मदद करता था, कुछ भी नहीं, जो वाजिबात है उसे अदा करता था बस। लेकिन किया ये था इसने कि ये हर शब जुमा, चूँकि ये करबला से 10 किलोमीटर दूर रहता था, ये हर शब जुमा, एक शब जुमा अपनी माँ को लेकर के ज़्यारत करने आता था मौला के रोज़े पे, एक शब जुमा अपने बाप को लेकर आता था। इसके पास एक खच्चर था, उस खच्चर पे बिठा के लाता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये बाप को ले जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा मैं भी जाना चाहती हूँ, दिल अजीब सा मचल रहा है, बस मुझे जाना है, पता नहीं कल रहूं ना रहूं, मर जाऊं। उसने कहा अम्मा ऐसा करें बाबा से पूछता हूं। उसने बाप से पूछा कि बाबा अम्मा चाह रही हैं जाने को, तो बाप ने कहा नहीं बेटा मुझे भी जाना है, मेरा भी दिल अंदर से बहुत बेचैन हो रहा है, इमाम के ज़री पे जाना है। अब वो परेशान हुआ, करे तो क्या करें। माँ बाप से कहा ठीक है, दिन में आपको रात को इनको ज़्यारत करा देता हूँ। माँ ने कहा कहीं हम मर गए तो रात के इंतज़ार में। इसने कहा ठीक है चलो दोनों को ले चलता हूँ। इसने माँ को एक पीठ पे गट्ठा टाइप का बांधा और माँ को उसमें सवार किया और बाप को खच्चर पे, और सवार करके लेके निकला। अब ये चला था कि रास्ते में बारिश हो गई और बारिश में वो इतना परेशान हुआ, एक तो माँ का बोझ कांधे पे, ऊपर से बारिश मिट्टी, इतना परेशान हुआ, बहुत सख्तियाँ झेल करके ये इमाम के रोज़े के पास पहुँचा। और जा करके इसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लें। इसने कहा नहीं आराम नहीं, इतनी मेहनत करके जिसके रोज़े पे आया हूँ, थोड़ी सी देर के लिए नहीं चले ज़ारत कर ले पहले। ये माँ बाप को ले करके इमाम की ज़री पे पहुँचा और इसने जा करके इमाम की ज़री पे सलाम किया, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। ये जो माँ बाप को ले करके ये आया था करबला तक, इमाम के हरम तक, इसका अजर ये मिला कि इमाम ने पलट करके उसको जवाब दिया, और ना कि उसने बल्कि पूरे हरम के लोगों ने उस जवाब को सुना। और जब तक वो ज़िंदा रहा
तब तक वो सलाम करता था और जवाब सलाम आता था। तो आप देखें इमाम किस चीज़ से खुश हुए, सिर्फ माँ बाप की ऐसी खिदमत की वजह से। जो भी माँ बाप की खिदमत करता है खुदा उसे इज्जत देता है। एक बंदा रसूल खुदा के पास आया और आके कहा या रसूल अल्लाह सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले, रसूल खुदा के पास आया कहा या रसूल अल्लाह बहुत परेशान हूँ, यानी ऐसा है कि अगर सोने पे हाथ दूँ तो मिट्टी हो जाता है, बहुत परेशान हूँ, कोई काम नहीं होता। हुजूर ने फरमाया क्या करना है, कहा आप दुआ कर दीजिए बहुत ज़्यादा पर। और जो तरीका उसने बताया मेरे साथ ये हो रहा है, तो हुजूर ने फरमाया एक बात बता, क्या तेरे वालिदैन तुझसे नाराज़ हैं? उसने कहा हाँ। हुजूर कह रहे हैं, हुजूर सरकार दो आलम करे, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, मोहम्मद हमने तुम्हें आलमीन के लिए, सिर्फ आलम के लिए नहीं आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है, वो नबी के जो इशारा कर दे तो आसमान से सोने की बारिश होना शुरू हो जाए, फरिश्ते ज़मीन पे आ जाएं, वो कह रहे हैं कि मेरे दुआ से कुछ नहीं होने वाला है, चला जाओ। उसने कहा या रसूलल्लाह, का जब तक तेरे माँ बाप राज़ी नहीं हो जाए, तुझे नहीं माफ़ कर दें, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे। उसने कहा मौला क्या करें? का माँ बाप से जा कर के माफ़ी मांग ले। उसने कहा जिंदा नहीं है। फरमाया उनकी कब्र पे जा और कब्र पे जा कर के दुआ मांग, उनके लिए सदका कर, उनके लिए फातिहा पढ़, जब वो राज़ी हो जाएंगे माफ़ कर देंगे तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। उसने कहा या रसूल अल्लाह कब्र का निशान नहीं मालूम? फरमाया एक काम कर, दो कब्रें बना उंगली के इशारे से, एक को माँ की कब्र तस्लीम कर, एक को बाप की कब्र तसव्वुर कर, और उसके बाद दोनों कब्रों पे बैठ करके इनके नाम का फातिहा पढ़, इनके नाम का सदका दे। उस बंदे ने 40 दिन तक ये किया, 40 दिन तक माफ़ी मांगता रहा कि आप अल्लाह के करीब हैं, आप अल्लाह से दुआ करें मेरी गुनाहों को आप माफ़ करें जो मैंने सताया था। 40 दिन के बाद बाप ख्वाब में आया और उसने कहा कि हमने तुझे माफ़ कर दिया, हम तुझसे राज़ी हो गए। उसके हालात बदल। माँ बाप को कभी दुख नहीं देना। उन बच्चों से जाकर के पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, जाओ जाकर के उनके उन बच्चों से जाकर के पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, या जिसके बाप मर गया माँ जिंदा, या माँ मर गई बाप जिंदा, या दोनों मर गए, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इमाम हुसैन के सदक़े में परवरदिगार उन्हें जवार रहमत में जगह अता करे, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं जनाब जहरा के सदक़े में उनको सेहत अता करे, सलामती अता करे, दराजी उम्र अता करे। कभी माँ बाप को नहीं सताना बच्चों, कभी नहीं सताना। बहुत कीमती तोहफा है तुम्हारी ज़िंदगी में, उनसे पूछो जिनसे छिन गई है, उनसे पूछो कि माँ बाप जब चले जाते हैं ना तो बच्चों का क्या हाल होता है। माँ बाप जब रहते हैं ना तो एक आसरा होता है कि अगर बच्चा परेशान होता है ना तो आसरा होता है कि अभी माँ के पास चले जाएंगे सारा दुख दूर हो जाएगा। और जिनके माँ थी या माँ हैं वो जानते हैं कि जब पूरी दुनिया से परेशान होकर बच्चा घर आता है ना और माँ के पास आके थोड़ी देर बैठता है और माँ सर पे हाथ रखती है ना और माथे को चूमती और खाली इतना पूछती मेरे लाल क्या हुआ, और बच्चा अपनी परेशानियाँ बताने लगता तो कहती फिक्र ना करना परवरदिगार उन परेशानियों को दूर कर देगा, तो बच्चे का वो परेशानी दूर हो ना हो लेकिन उसका आधा टेंशन उस वक्त दूर हो जाता है जब माँ शफकत का हाथ सर पे रखती है। ज़रा पूछो उन बच्चों से कि जो परेशान हो के अपने घर में जाते हैं और अपने घर में अपनी माँ को ढूंढते हैं और माँ नज़र नहीं आती कहीं पे, ज़रा सोचो जब माँ चली जाती है छोड़ करके या बाप चला जाता है, बाप दिन भर मेहनत करके जब शाम को घर लौटता है ना बच्चा सीने से लग जाता है बाप के, थका हारा बाप, थकन से चूर भूखा बाप, जब बच्चा सीने से लगता है ना बाप अपनी भूख भूल जाता है, अपनी थकन भूल जाता है, बच्चे को प्यार करता है, बच्चा जैसा भी हो उसे एक आसरा होता है कि मेरे सर पे मेरा बाप है, उसे एक आसरा होता है कि मेरे सर पे मेरा बाप है, कुछ भी हुआ मेरा बाप है ना, टेंशन वाली बात है मेरा बाप है ना। लेकिन ज़रा सोचो कि जब ये साया उठ जाता है घर से, जब ये साया चला जाता है
और वो घर की तरफ दौड़ घर की तरफ जाने लगता है और उसे दिल में ये एहसास हो कि मेरा बाप तो मर गया है। जरा सोचो उस बच्चे का क्या हाल हो। माँ के बारे में सोचते हैं, माँ घर में होगी ना, कोई सा पूरा घर खाना खा के सो जाता है। माँ ऐसी है, अगर बीमार भी, उसे मालूम है कि भूखी रहेगी तो और बीमार हो जाएगी, लेकिन अगर बच्चा घर में नहीं आए तो आश्रय में बैठी रहती, मेरा बच्चा आ जाएगा उसे रोटी खिला के खाऊंगी। जरा सोचे माँ बाप के बारे में, माँ के बारे में, माँ सोचती है मेरा बच्चा आ जाए तो मैं खाऊंगी, मेरा बच्चा आ जाए तो मैं उसको खिला के खाऊंगी, रात भर बिस्तर पे कब माँ को बोल के बच्चा शहर से बाहर चला जाता है, फिर भी माँ है ना, क्या करें। रात भर करवट बदलती रहती है, पता नहीं जहाँ गया है वहाँ घर पे लौटा कि नहीं लौटा, खाना खाया नहीं खाया। अगर आज के ज़माने में फ़ोन है, अगर एक फ़ोन आ जाए ना, हाँ अम्मा पहले पूछती है कहाँ है, अम्मा रात हो रही बाहर है, क्यों बाहर है, जहाँ रहता वहाँ क्यों नहीं गया, खाना खाया तूने, नहीं अम्मा अभी नहीं, जल्दी से खाना खा ले पहले, बाद बाद में करना। माँ है कितनी फिक्र करती है, मरते मरते भी अगर माँ मर भी रही है ना तो उसकी आंखें चौखट पे लगी रहती हैं, उसके दिमाग में ये नहीं चलता कि मैं कल मैं अभी मर जाऊंगी थोड़ी देर में, उसके दिमाग में ये चलता अगर मैं मर गई मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं मर गई खाना कौन खिलाएगा, जिनकी माँ है उनकी इज्जत करो, अभी भी वक्त अपनी माँओं की इज्जत करो, अपनी माँओं को कभी दूर चीने करना, अपनी माँओं को प्यार करना, कुछ देने की जरूरत नहीं है, माँ लालची नहीं होती है, माँ लालची भी बच्चा आकर के माँ के गले से मोहब्बत से लग जाए, माथा चूम लेना, ये उसके लिए जन्नत वाली बात होती, माँ के लिए, माँ के पास जाके थोड़ी देर बैठो, उसके पैरों को दबाओ, उससे थोड़ा बात करो। आज हमारे ऊपर मोबाइल या अजाब बन के गिर गया है कि हम मोबाइल में लगे रहते हैं, हमें वक्त ही नहीं मिलता कि माँ से बाप से बात करें, माँ बाप घर में चुपचाप बैठे रहते हैं, हम मोबाइल में बिजी रहते हैं, नहीं मोबाइल, याद रखो इसका भी अजाब होगा कि माँ बाप हमारे चेहरों को तकते रहते हैं, हम मोबाइल में बिजी रहते हैं, उनको वक्त नहीं, वक्त दो उनको, इसलिए कि उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें वक्त दो, उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, तुम उनसे अपने दुख बयान करो, अल्लाह तुम्हारे दुख को दूर कर देगा, देखना तुम अपनी परेशानियां बयान करो, अल्लाह परेशानी दूर कर देगा। अहमियत को समझो माँ बाप की, अल्लाह की तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा है। इमाम फरमाते, छठे इमाम ने फरमाया, जिस घर में सफेद बाल वाले लोग होते हैं अल्लाह उस घर में अजाब नाजिल नहीं करता। ये तुम्हारे लिए इमाम ने ये फरमाया कि एक ज़ईफ का घर में होना ऐसा है जैसे एक पैगंबर, एक उम्मत के लिए पैगंबर, ये मकाम बताया है। इनका एहतराम करो, माँ का एहतराम करो, बाप का, बाप को झिड़को नहीं, इसलिए कि वो तुम्हारे मुंह पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसको दर्द होता है कि जिस औलाद के लिए इतनी मेहनत की, बाल सफेद कर दिया, आज वो मुझे झड़क रहा। और याद रखो माँ बाप बद्दुआ नहीं देते, लेकिन अल्लाह छोड़ता भी नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे आपके समाज में घूम रहे होंगे कि जिन्होंने माँ बाप को सताया, माँ बाप को रुलाया, आज उनके पास पैसा रहने के बाद भी परेशान है, दिली सुकून नहीं है, लेकिन जिन्होंने माँ बाप की कदर की आज उनके पास पैसा नहीं है लेकिन सुकून है, आज उनके पास सुकून से रोटी खा रहे, क्यों? क्योंकि माँ बाप अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ करते रहते हैं। मूसा का वाक्या सामने है, मूसा की माँ मर गई, मूसा पहाड़ को हतूर पे जाने लगे, मूसा को ठोकर लगी, आवाज़ कुदरत आई, मूसा संभल गया, मूसा ने कहा परवरदिगार तू है ना मेरा मालिक, आवाज़ कुदरत आई, मूसा दुआ करने वाली माँ मर गई है, मूसा दुआ करने वाली माँ मर गई है। माँ की अहमियत बताई है अल्लाह ने, तुम कुछ ना दो वो तुमसे कुछ नहीं मांगती, तुम मरने के बाद उसके लिए कफन का भी इंतजाम करो वो नहीं मांगती है, लेकिन हाँ मोहब्बत से रहो, उसके साथ अच्छे सलूक करो, उसके साथ प्यार से बात करो। आज अगर मैं अपनी कौम की बात करूँ, आज अगर माँ नहीं होती ना तो हमें पता नहीं चलता फर्ज़ की अहमियत क्या है। ये माँ थी जो हमें गोद में बिठा बिठा के ला के फर्शे अज़ा पे सुबह से शाम तक इस घर से उस घर, इस अज़ा खाने से उस अज़ा खाने, मातम मजलिस कर कर के उसने इसकी अहमियत बताई है। माँ ने हमें पाल पाल के ये फर्शे अज़ा दिया है। याद रखो कि जिसने फर्शे अज़ा दिया है अगर उसे सताओगे तो इस फर्शे अज़ा की मालिक जो है वो तुमसे नाराज़ होगी। माँ बाप की, माँ की अहमियत को वो बच्चा समझेगा। कि रज़ा सिरसिवी ने कहा कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ
तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। और प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। जब माँ मर जाती, मैंने इससे पहले भी मसायब पढ़ा था चिंचोली बंदर में, लेकिन मसायब नए नहीं होते भाई, पुराने के। जब माँ मर जाती है ना तो घर में घर बिखर जाता है, और जब माँ जब मर जाती है ना घर माँ मर जाती है तो घर इस तरह से बिखरता है कि एक बेटा काज महन में, एक बेटा सामर्रा में, एक बेटा करबला में, शोहर नजफ में, घर इस तरह से बिखर जाता है। जब सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई, सैयदा का पूरा घर का घर बिखर गया। माँ की अहमियत को पूछना है तो इमाम हसन से पूछो। जब अली ने पूछा, हसन तेरी अम्मा के मसायब कैसे का, बाबा आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने काफी दिन से अम्मा को कुनूत में हाथ उठाते हुए नहीं देखा बाबा। हाँ जिजाने मोहतरम, कल बीबी की शहादत थी, ऐसी शहादत कि जनाजा घर में रखा रहा, लेकिन वसीयत थी कि ऐलान न करना। क्यों? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर हम इन्हें बता देते ना सैयदा का जनाजा जा रहा है, तो दफन करने के बाद दूसरे दिन ये सैयदा की कब्र को खोद डालते। इन्होंने मेरी सैयदा को चैन से रहने नहीं दिया। एक बाग में बीबी पेड़ के नीचे बैठ के रसूलुल्लाह को पुरसा दिया करती थी। दूसरे दिन जब उस पेड़ के करीब गई तो किसी ने पेड़ को काट दिया। बीबी वापस आने लगी, अली ने जनाब जहरा के चेहरे को देखा, धूप से चेहरा लाल था। क्या हुआ? रो करके फरमाती है, अली जिस पेड़ के नीचे मैं बैठ के रोती थी ना, इन्होंने उस पेड़ को भी काट दिया। अली मुझे बताओ मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। अमीरुल मोमिनीन ने बैतुल हुसन तैयार किया, दूर जाकर के, करीब भी नहीं, दूर जाकर के टूटी हुई पसलियों के साथ दूर जाती थी और जाके बैतुल हुसन में रोया करती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी अज़ियत दी है। जब दुनिया से रुखसत हो गई ना तो अली ने सलमान से कहा, सलमान मेरी ज़हरा को इन्होंने मार डाला, सलमान मेरी फातिमा दुनिया से तड़प तड़प के चली गई। सलमान जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां माएं दुआ करती, परवरदिगार मुझे जिंदगी दे, मेरे बच्चे छोटे हैं। लेकिन बीबी उन्हें ज़ैनब ने, उम्मे कुलसूम ने अपने कानों से सुना है। बीबी आसमान की तरफ हाथ उठा के कहती थी, परवरदिगार अब जहरा को उठा ले। अली रुखसार पकड़ के कहते थे, बीबी गम न करी, अली है ना, जरा सोचे ना कि अली को कितनी अजियत हुई होगी जब जहरा दुनिया से रुखसत हो गई होंगी। अली इतना मानते थे जनाब जहरा को कि जनाब जहरा के चेहरे पे शिकन बर्दाश्त नहीं करते थे। उसी अली के सामने जहरा रो के कहती है, अली मेरा मोहसिन मर गया। अली मुझे एक सवाल का जवाब दे। अली फरमाते थे, हुक्म करे बीबी, मौला मुझे जवाब दे, इन्होंने मेरे मोहसिन को मार डाला, मेरे मोहसिन का कसूर क्या था? दुनिया से रुखसत हो गई मोहम्मद की बेटी, दुनिया से रुखसत हो गई, शब की तारीख में जनाजा भी उठा लिया गया बीबी का। लेकिन आए मसाहब आज भी कम नहीं है, आज हम खुल करके बीबी के कातिल का नाम भी नहीं ले सकते। एक जुमला बस मसाहब तमाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने से जब जनाब जैनब दरबार से आई हम गुजरी हैं, बीबी ने हसन के सामने चेहरे का पर्दा किया। मौला फरमाते, अम्मा मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत में बेटे से पर्दा वाजिब नहीं, अम्मा मुझसे पर्दा क्यों कर रही हैं? जनाब फातिमा जहरा ने रो के कहा, हसन जिद ना कर, जब मैं मर जाऊं मुझसे कहना, मैं अपना चेहरा दिखा दूंगी। जब बीबी दुनिया से रुखसत हो गई है, इमाम हसन करीब आए, कहा, अम्मा आपने वादा किया था कि मैं अपना चेहरा दिखा दूंगी, अम्मा चेहरा दिखाइए। अब जो कफन चेहरे से हटा, इमाम हसन की चीख निकली, हुसैन
हुसैन मेरी तलवार ले आ जल्दी से, मैं इन मलाउनों को छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मेरे माँ के मुंह पे ताजियाना मारा है, मेरी माँ का रुखसार फटा है, हुसैन मेरी तलवार लिया। السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد